हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन क्लास 10 फिजिक्स। फिर से एक बार क्लास 10 की वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो नंबर के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? आप लोगों ने ह्यूमन आई जब इसकी स्ट्रक्चर बनाई होगी, इसका डायग्राम बनाया होगा, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जो आपका लेंस हुआ करता है, आई लेंस जो हुआ करता है, उसको होल्ड करने के लिए, मैं कह सकता हूँ उसका होल्डर है, उसका फ्रेम है, सिलियरी मसल्स हुआ करती हैं जो लेंस को इस टाइप से होल्ड किया करती हैं। बाकी आप यहाँ पर अपना रेटिना, ऑप्टिक नर्व, आगे कॉर्निया, बीच में आयरिस, और आयरिस के बीच में जो ये होल हुआ करता है उसे प्यूपिल बोला करता है, जो कि अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल किया करता है। हालांकि अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक है आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हुआ करता है, आप ध्यान से देखेंगे, सिलियरी मसल जो है, ये सिलियरी मसल है, देखिएगा मैं आपको ब्लैक कलर से लाइनिंग में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियलिटी में सिलियरी मसल है क्या। ये है सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स क्या काम करा करती हैं? सिलियरी मसल्स आपके लेंस को होल्ड क्या करती हैं, जैसे मेरे चश्मे को इस लेंस को इस फ्रेम ने होल्ड किया हुआ है, बस फर्क इतना है जो मेरा लेंस है वो एक सॉलिड सब्सटेंस का बना है, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर का होता है, देखिए दबाया जा सकता है, रिलैक्स किया जा सकता है, जैसे जेली होती है। उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसा है, तो आप सोचो जब ये लेंस को दबा देगा इस तरीके से, लेंस को ऐसे दबाएगा, जिस वक्त ये लेंस को ऐसे दबाएगा तो लेंस आपका अल्टीमेटली एक तरीके से ऐसा, यानी थिक हो जाएगा, लेंस आपका मोटा हो जाएगा जब ये आपको मतलब कंप्रेस करेगा, ये आपके आई लेंस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, कौन करेगा, सिलियरी मसल्स करेगा। कंप्रेसिंग कंडीशन में आपका लेंस आपका थिक हो जाएगा, लेंस आपका मोटा हो जाएगा करेगा। और जब ये लेंस जैसे अभी तो कंप्रेस कर रखा है, लेंस में मोटा हो गया है, और जैसे ही रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करने का मतलब है लेंस फिर से अपना पतला हो जाएगा, इस तरीके से लेंस पतला हो जाएगा। दोनों ही केस हैं, एक बार रिलैक्स मोड, एक बार स्ट्रेस मोड। रिलैक्स मोड पे लेंस पतला हो जाएगा और स्ट्रेस मोड पे लेंस आपका मोटा हो जाएगा। अब होता क्या है इससे, आप एक बार ध्यान से देखेंगे, जैसे ही आपका लेंस मोटा हुआ, एक बात आप ध्यान रखना, मोटे आदमी की पावर ज्यादा होती है, सिर्फ इस बात से ध्यान रखना, जो मोटा लेंस होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। मोटा कोई सांड जैसा आदमी है तुम्हारे सामने और तुम वो ऐसे कुछ मतलब क्या बताऊं, तो तगड़े की तो पावर ज्यादा होगी, देख के लगता है भाई यार इससे कौन पंगा ले, दूर ही रहो। तो मोटे आदमी की पावर ज्यादा होती है, ये सिर्फ समझने के लिए है, एनीवे होती क्यों मैं आपको बता देता हूँ। तो आप मान सकते हैं कि मोटे जो लेंस है उसकी पावर ज्यादा होगी, पतले लेंस की पावर कम होगी। होता कैसे है, जो पावर डिफाइन करेगी ऑप्टिकल पावर वो रेसिप्रोकल हुआ करती है फोकल लेंथ की, मींस जितनी ज्यादा पावर उतनी कम फोकल लेंथ। और आप ध्यान से देखो, अगर मैं मोटे लेंस की बात कर रहा हूँ, ये आपका एक मोटा लेंस अगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका ऐसे बनेगा एक स्पेरिकल पार्ट, यहाँ कहीं आएगा सेंटर, उसके हाफ पे आएगा फोकस पॉइंट, तो इसकी फोकल लेंथ हुई इतनी अगर ये लेंस मोटा है। और अगर मैं इसी लेंस को कोशिश करूं पतला बनाने की, जब ये लेंस पतला होगा क्योंकि आपका सिलियरी मसल ने दबा रखा था, सिलियरी मसल जब इसको रिलैक्स करेंगी, अभी तो स्ट्रेस मोड पे है, जब इसको रिलैक्स करेंगी तो ये लेंस आपका पतला हो जाया करेगा, पतला होने के बाद ये कुछ कुछ स्ट्रेस दिखेगा, तो इसका जो आपका बड़ा स्पेयर बनेगा उसका सेंटर यहाँ, फोकस ठीक आधे पे, तो इसकी फोकल लेंथ आप ध्यान से देखो पतले लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है, जो ब्लू वाला पोर्शन दिखाना चाह रहा हूँ पतला लेंस है, पतले की फोकल लेंथ ज्यादा है, मोटे की फोकल लेंथ कम है, यानी कि फोकल लेंथ चेंज हो चुकी है, पावर इसकी ज्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ कम होती है, तो मोटे लेंस की पावर ज्यादा है। ये तो बात हुई थ्योरेटिकल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप लोग क्रिकेट भी देखते हैं या फिर आजकल तो DSLR का ज्यादा मैं समझता हूँ माहौल ज्यादा है, हर कोई फोटो खींचने का बड़ा इच्छुक है, DSLR। अरे हमारी आंख से बने DSLR कोई है क्या? कोई नहीं है। आप लोग इस चीज को ध्यान से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको। आप अपनी उंगली को अपनी आंख के सामने रखना और सारा फोकस इस उंगली पर रखना, तो आप देखोगे पीछे की जो दीवार है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको ब्लर दिखेगा,
और यही उंगली रखना, एक बार फोकस रखना दीवार पे, तो आपको उंगली ब्लर दिखेगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जब आपने फोकस रखा उंगली पे तो आपके सिलेरी मसल्स ने आपके लेंस को दबाया, उसकी फोकल लेंथ कम करी, सारा फोकस यहाँ पे डाला। जब आप देखना चाह रहे हो दूर, दूर देखने का मतलब फोकस ज्यादा करना चाह रहे हो, फोकस ज्यादा करने के लिए उसने रिलैक्स को आपके रिलैक्स कर दिया, लेंस को जैसे रिलैक्स करा फोकल लेंथ ज्यादा हुई, पावर कम हुई, आपको दूर का क्लियर दिख रहा है। ये तो DSLR होता है, डेप्थ मोड कैमरे में आजकल वो जो चलते हैं, ज्यादा मुझे नॉलेज है नहीं, एनीवे यही हुआ करता है। तो यही पावर ऑफ रिकमेंडेशन है। क्या है पावर ऑफ रिकमेंडेशन? आप ध्यान से देखेंगे तो आपके आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो रही है। चेंज कौन कर रहा है? भैया सिलेरी मसल चेंज कर रही है। सिलेरी मसल की वजह से आपकी फोकल लेंथ आपकी आंख की चेंज हो रही है। लेकिन क्यों चेंज कर रही है? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। आप किसको देख रहे हो? अगर आप इस उंगली को देख रहे हो तो आपका फोकस यहां पर है, अगर आप सामने दीवार को देख रहे हो जो कि मैं देख पा रहा हूं, तो आपका सारा फोकस वहां है। तो चेंज इन द फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल, दैट इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट या फिर टू चेंज इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। लिख दिया करते हैं, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ या टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ या पावर भी कह सकते हो, इसीलिए इसका नाम पावर ऑफ अकोमोडेशन है। टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट पोजिशन, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट पोजिशन, ऑब्जेक्ट की पोजिशन के अकॉर्डिंग आपकी जो फोकल लेंथ एडजस्टमेंट होती है आई लेंस की, किसकी हेल्प से? भैया सिलेरी मसल, विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल, विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, कॉमा इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। आप इतना भी लिख देंगे टू एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई, इतना भी काफी है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि कौन सा पार्ट आपको ये सब कराने में मदद करवाया, तो आपका आंसर होगा सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स की हेल्प से आप ये सब करा करते हैं। सिलेरी मसल्स आपके लेंस को होल्ड किया करती हैं, जो कि क्योंकि लेंस आपका जेलिक स्ट्रक्चर से बना होता है, तो ये फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब आप लोग ने क्रिकेट में भी देखा होगा, अभी विराट कोहली बल्ला लेकर घुमा रहा है तो सारा फोकस विराट कोहली पे, पीछे की पब्लिक ब्लर दिख रही है, फिर एक बार पब्लिक पे फोकस, विराट कोहली ब्लर दिख रहा है। एनीवे ये हुआ करती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। मैं समझ सकता हूँ कि आपने भी फील किया होगा घर पे देख के अपने एक बार उंगली को और सामने दीवार को, उसी से आपको सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।